जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर और 26 सितंबर 2021 के कुंभ राशि फल के बारे में कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में फिर वो आपकी शिक्षा हो व्यापार हो नौकरी दुकान आपका पारिवारिक जीवन हर चीज के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं 25 सितंबर का दिन शनिवार का दिन है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा हर्षण नाम का योग बनेगा चंद्रमा शाम तक मेष राशि में होंगे और उसके बाद वृषभ राशि में सूर्य कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर सैतीस मिनट तक छब्बीस सितंबर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि कृतिका नक्षत्र रहेगा वज्र नाम का योग बनेगा और चंद्रमा वृषभ राशि में राहु के साथ और सूर्य कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है इस दिन रवि योग भी रहेगा अभिजीत मुहूर्त है सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर छत्तीस मिनट तक तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति इन दो दिनों में मेष राशि और वृषभ राशि में होगी यानी पच्चीस सितम्बर के दिन चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और छब्बीस को आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो उसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो अब ये जो दिन है ये कैसे आपके लिए रहेंगे सबसे पहले 25 सितंबर की बात करते हैं कि 25 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो चंद्रमा यहाँ आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में मंगल की राशि में तृतीय भाव पराक्रम का भाव ऊर्जा का भाव आपकी साहस का भाव है ये भाई बहनों का भी है ये दिन आपके लिए आ, कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो काफ़ी आनंदपूर्ण होने वाली है पूरे दिन आप कुछ मौज मस्ती के मूड में रहेंगे ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएंगे जो लोग अब तक पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे उन्हें ज़रूर पैसे की आवश्यकता हो सकती है तो ऐसे में आपको पैसे की कीमत का भी पता चलेगा आज आपको समझ में आ सकता है कि क्या अहमियत होती है इस तरह के पैसे उड़ाने से आपको अपने रोज़मर्रा के कामों से छुट्टी लेकर आज कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम आप कर सकते हैं या अपने घर परिवार के साथ आज बाहर कहीं घूमने का प्रोग्राम आज बना सकते हैं और ये आज की गई यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी घर परिवार के लिए आपके लिए मौज मस्ती भरी रहेंगी अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं खेलकूद आपके जीवन का जरूरी हिस्सा है तब आज आपके लिए अच्छी स्थितियाँ रहेंगी आज कुछ आ, कौशल दिखाने का मौका आपको मिल सकता है और दिन भी काफ़ी व्यस्त हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा और प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की बात करें तो आज का दिन दोनों ही मामलों के लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है कोई कानूनी मामला अगर चल रहा है तो उसके बारे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है दोस्तों के साथ किसी तरह की प्लानिंग बन सकती है अच्छी अच्छा तालमेल बना रहेगा सभी के साथ इस दौरान चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपको सफलता के योग बना रही है सफलता मिलने के योग बना रही है और कामकाज के सिलसिले में यात्रा होगी तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदे के योग बनेंगे आज ऑफिस में लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं समाज में परिवार में सम्मान मिलने का दिन है बड़े लोग आपसे आज खुश हो सकते हैं उनके लिए आज खुश होने का दिन है लव लाइफ भी अच्छी है और जो लोगों के लिए इस समय न्यूली मैरिड हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है उनके लिए कुछ इच्छा पूर्ति का ये समय हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और जो इस राशि के अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं तय नहीं होगा लेकिन प्रस्ताव जरूर आ सकते हैं हाँ ना करने में आप पूरी आ, समझदारी दिखाएं, सोच समझ कर किसी भी बात का आप जवाब दें तो अच्छा रहेगा अब बात करते हैं छब्बीस सितम्बर के बारे में तो छब्बीस सितम्बर चंद्रमा वृषभ राशि में राहू के साथ बैठे होंगे और यहाँ राहु के साथ चंद्रमा के बैठने से राहु और चंद्र की युति हुई है चौथे भाव में जो कि माता का है भौतिक सुख संसाधनों का है ये चौथा भाव तो ये दिन कैसा होगा तो इस दिन आपके लिए खर्चा ज़्यादा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं कार्य भी आपके ज़्यादा रहेंगे यानी काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा लेकिन बड़ों का आशीर्वाद सिर पर बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से आप अपने हर कार्य को करने की हिम्मत आपके अंदर होगी संतान पक्ष से कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिल सकता है अगर आप एक व्यवसायी हैं आप बिजनेस करते हैं तो आपका काम काज आज अच्छी तरीके से चलेगा काम काज को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आज आप बना सकते हैं आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हावी रह सकते हैं नए काम करने का मन अगर आपके मन में है तो नए काम करने की प्लानिंग आप करें सारी चीज़ें सोच कर रखें और उसके बाद आप अच्छा सा मौका अच्छा सा मुहूर्त देख कर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ आप निभाने वाले हैं इस दिन बड़ी जिम्मेदारियाँ आपकी पूरी होंगी अच्छे तरीके से आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और कुछ काम काजों में जरूर जो पैसे का लेन देन होना है उसमें संभल कर आपको जरूर रहना होगा ताकि कोई भी आपको कोई धोखा ना दे सके किसी तरह का नुकसान आपका ना हो सके तो वहाँ ज़रूर थोड़ी सावधानियाँ रखनी है अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद अच्छा है प्रपोज करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं प्रेम जीवन में स्थितियाँ सामान्य बनी रहेंगी ठीक ठाक रहेंगी और पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा आज रहने वाला है आपकी माता को सेहत संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उनको आज कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें कुछ राहत आपको जरूर आज मिलती हुई दिखाई देगी पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी उनके साथ मिलकर आप किसी घर से जुड़े हुए घरेलू कार्य को पूरा करने की आज कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे का सपोर्ट आप देते हुए दिखाई देंगे एक दूसरे का साथ आप सभी लोगों को मिलने वाला है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों दिन अच्छे हैं और ये पितृपक्ष चल रहे हैं तो इन दिनों में जिस भी जिस किसी के भी पितृ का श्राद्ध है वो जरूर करें क्योंकि ये जो तिथि हैं ये हैं पच्चीस को चतुर्थी है और छब्बीस को पंचमी तिथि है तो श्राद्ध पूर्ण पूरी श्रद्धा के साथ करें उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें उनके आशीर्वाद से आपके बहुत से कार्य बन सकते हैं अब उपाय की बात करते हैं इन दो दिनों में तो शनि के उपाय आप करें पक्षियों को दाना डालें और जो शनि देव का बीज मंत्र है या शनि चालीसा का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं तो आपके लिए उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें